आदमी के लिए जंगल दुनिया का सबसे दिलचस्प किस्सा है। इसके हर किरदार की अलग कशिश है। जैसे कि ये तितली और इस जैसे दूसरे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकौड़े, जीव वैज्ञानिक बताते हैं कि नन्हे मुन्ने इन जीवों ने धरती पर जीवन चक्र का बहुत बड़ा भार उठा रखा है। यही नहीं, जंगल हो या रोजमर्रा की जिंदगी या फिर मशीनें, रोबोट या मार्शल आर्ट, इंसानों ने शायद इंसेक्ट्स से सबसे ज्यादा सीखा है और हासिल किया है। आज मिलिए एक ऐसे शख्स से जिसने वाइल्ड इंसेक्ट्स के प्यार में जिंदगी गुजार दी और जो जंगल को इंसेक्ट्स के नजरिए से देखता है। इसी नजरिए ने हमारे आपके जैसे एक सामान्य शहरी मृत्युंजय शर्मा को देश दुनिया में पहचान दिलाई, सम्मान दिलाया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दिलाई। मृत्युंजय की कर्म भूमि है पूर्वी भारत का हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। चलिए मिलते हैं द इंसेक्ट मैन ऑफ हजारीबाग से। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और इस वक्त हम बैठे हैं झारखंड के हजारीबाग जिले में, एक पहाड़ी के नीचे, सीतागढ़ हिल्स इसको कहते हैं। और मेरे साथ हैं मृत्युंजय शर्मा जी, जो 20 साल से ज़्यादा वक्त से हजारीबाग और इसके आसपास के जंगलों में जीव जंतु, पेड़ पौधे पर एक तरीके का रिसर्च कर रहे हैं अपने अंदाज में, और एंटोमोलॉजी में यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में जो स्टडी हो रही है, जो शोध हो रहा है उस क्षेत्र में। और अब जो दुनिया का एक सबसे बड़ा सोशल मीडिया ग्रुप और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, उसने 108 लोगों को चुना है इस विधा में, और उन 108 लोगों में मृत्युंजय शर्मा जी भी शामिल हैं। और मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ, तो मैं मित्तू भैया ही बुलाता हूँ। तो आज मित्तू भैया से हम लोग बात करेंगे जो काम ये करते हैं उससे संबंधित, ताकि हम समझ सकें कि दरअसल हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसमें कितना डीप हम जा सकते हैं, कितना डीप जाने की गुंजाइश है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। मृत्युंजय भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मनोज जी, और बहुत अच्छी बात है कि बचपन से भी हम लोग दोस्ती भी रहे हैं और भाई के जैसा भी रहे हैं। बड़े भाई हैं लेकिन दोस्त हैं। हाँ, और अच्छा लगा कि आप भी अच्छा एक अपना मुकाम पे पहुँचे और काम कर रहे हैं। और हमारे बारे में मैं बता रहा हूँ कि जैसे वाइल्ड इंसेक्ट पे हमारा काम है, जिसको आप बायोडाइवर्सिटी से भी जोड़ के देख सकते हैं और इको सिस्टम से भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि इंसेक्ट हमारे इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है, जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं आज के डेट में। और हमारा काम है मनोज जी कि जैसे जंगल का मतलब बचपन में हम लोग भी रहे हैं, तो बचपन से जंगल का मतलब जानवर, जानवर से जोड़ के जंगल को हम देखते हैं कि जानवर मतलब कि बड़ा जानवर हाथी, चीता, बाघ, हाथ, भालू जंगल में मिलता है। तो अब ये जानवर आज के विकास के दौर में कहिए या हमारा पर्यावरण थोड़ा सा इतना नष्ट हो चुका है कि ये जानवर बहुत कम मिलते हैं, या हैं भी तो बहुत सीमित एरिया में बचे हुए हैं, जो हर किसी को वहाँ जाके देखना उनके लिए संभव है। तो हमारा मानना है कि जब हम 21वीं सदी में और 22वीं सदी में इंटरनेट के ज़माने में अभी जी रहे हैं, तो हर चीज़ लाइफ को एक नया डायमेंशन मिला हर चीज़ से, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो। तो हम फॉरेस्ट को भी एक नया डायमेंशन से देखें, जो आज के दौर में जो हम देखना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि जंगल को रोचक कैसे बनाया जाए। और मनोज जी, आप एक चीज जानिए कि आप प्यार उसी से करते हैं जब उसके बारे में अच्छा से जानिएगा। नहीं तो आप ना उसके प्रति नीरस हो जाइएगा। आपको अगर प्यार तभी किसी से होगा जब उसके बारे में जानिएगा, उसको अच्छा से देखिएगा, नजदीक से परखिएगा। बहुत लंबा गैप के बाद हम लोग मिले, तो हमको भी बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ये नया चीज़, एकदम एक आदमी को हम एकदम नए रूप में देख रहे हैं,
जब हम लोग जब जो हमारा बचपन बीता वो एकदम अलग तरीके का था, और वहाँ कोई भी संकेत नहीं था कि ऐसा लगे कि एक दिन आपको हम इस रूप में देखेंगे। तो कैसे आपके मन में लगन कैसे जगा, आपके मन में आया कैसे कि इस तरफ बढ़ा जाए? हमारे मन में इस तरह से आया कि हम देखें कि हम लोग जंगल पहले जो बचपन में हम लोग देखते थे वो हमारे आसपास से बिल्कुल माहौल ही गायब हो गया। जो बचपन में हम जिस शहर को देखे, जिस गांव को देखे, जिस पहाड़ को देखे, तो हम देखे अचानक जब हम पढ़ाई लिखाई खत्म करके जब वापस आए उस जगह पे, तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि बचपन में आज से 10 साल पहले जिस जगह को हम छोड़ के गए थे उस जगह तो बिल्कुल बदला हुआ है। और हमारे अंदर क्या है, एक भावना होती है कि हम लोग तुरंत बहुत बड़ा सोचने लगते हैं, जबकि छोटे छोटे पॉकेट में काम होना चाहिए। जैसे आप किसी गांव में रहते हैं, उस गांव के आसपास अच्छा हुआ काम कीजिए, आप फिर क्यों सोचते हैं कि पूरा जिला में हम काम करें, फिर पूरा राज्य में काम करें? आप अपने गांव के आसपास के ही माहौल को अच्छा बनाइए। तो हम पर्यावरण को इसी सोच के फिर हम सोचे कि नहीं, अगर कोई ना कोई आदमी इसमें किसी को बताने वाला होना चाहिए कि हमारे आसपास है क्या, कितना सुंदर है, तुम इसको मत काटो, तुम इसको अच्छा से रखो। तो देखिए, तो जैसे आपके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ आप है, वहाँ हम लोग देखते हैं कि उसमें आप लगाते हैं फोटोग्राफ एकदम छोटे छोटे इंसेक्ट्स के बारे में, मतलब कई ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं, बचपन में देखा था, बहुत समय से नहीं देखा, कई ऐसे होते हैं जिन जो हम भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये हमारे आसपास ही थे, कभी इसको देखा नहीं, तो कुछ आप जानकारी उसके बारे में देते हैं, फोटोग्राफ्स लगाते हैं, ये काम कैसे स्टार्ट हुआ? हमारे मन में आया कि नहीं, हम जंगल जो नीरस होते जा रहे हैं हम जंगल के प्रति, तो इस एक नया डायमेंशन से क्यों नहीं देखें। तो हमने सोचा कि फिर डायमेंशन देने के लिए हमारे पास है क्या जंगल में, अगर आपको कोई एरिया में जाके छोड़ दिया जाए अचानक से और बोला जाए कि इस एरिया के बारे में कुछ अच्छा विशेषता बताइए, अच्छी चीज को यहाँ से निकाल के लाइए, तो आप क्या करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वही पेड़, वही पत्थर, वही पहाड़, वही झरना, इसमें से हम अच्छा क्या निकालें। तो फिर हम सोचे कि नहीं, इसमें से अच्छा एक चीज जिस पर काम भी बहुत कम हुआ है और इंसेक्ट को नजरअंदाज करके हम लोग चले हैं, बहुत सारा काम हुआ है, तो वो एजुकेशन पर्पस से तो उसमें आप मैंने जैसे जो फोटो दिखता है वो फोटो लेना भी बहुत मुश्किल है, एक छोटा सा जीव है उसका एक मतलब उसका फुल प्रोफाइल एकदम अच्छा फोटोग्राफ आता है, करते कैसे है? मतलब जाके ढूंढते उनको झाड़ियों में ढूंढना भी तो बहुत मुश्किल काम होगा। देखिए उनका होता क्या है कि इंसेक्ट के साथ दो तीन चीज है, एक तो उनका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, अगर आप एक दिन उनको मिस कर गए तो फिर आपको साल दो साल में शायद मिले या नहीं भी मिले, तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा इसके लिए, रेगुलर रूटीन चाहिए, रूटीन वर्क है। तो क्या रूटीन है? और वही सुबह जैसे डेली जाइए, हर सीजन में डेली जाना होगा आपको, तो आपको डेली जाइएगा तो हो सकता है कि इंसेक्ट जो मिले आज तो हो सकता है कि उसका फिर नेक्स्ट डे में वो कन्वर्ट कर जाए प्यूपा में या फिर नहीं रहे, क्योंकि लाइफ इनका ज्यादा लंबा तो है नहीं कि 20 साल तक आपको मिलेगा, तो एकदम अंदर पेड़ झाड़ी में जाके बिल्कुल। दूसरी बात कि ये बिल्कुल कैमोफ्लेग होते हैं, कैमोफ्लेगिंग का गुण इनमें बड़ा जानवर में नहीं उतना होता है जितना छोटे इंसेक्ट में है, ये बिल्कुल पत्ती के जैसा छिप जाएंगे या फिर अपना कलर को चेंज कर लेंगे अपने माहौल के अनुसार। और इसमें एक और मिमिकिंग का गुण होता है जो कि बहुत यूनिक है। मिमिकिंग मींस कि ये ना अपने आप को आपके जैसा ढाल लेंगे, जैसे स्पाइडर को देखिएगा कि एंट मिमिक स्पाइडर को, तो बिल्कुल चींटी के जैसा आपको दिखेगा, लेकिन है वो स्पाइडर और चींटी के झुंड में छिप के रहता है। तो अपने आप को ना मिमिकिंग भी बहुत अच्छा से करते हैं ये सब चीज इंसेक्ट। तो होता क्या है कि जैसे आप इनके बारे में जानिएगा तो आपको ना इंटरेस्ट जगेगा। हम नई पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को यही बताना चाहते हैं कि आप उनको ध्यान से आप देखिए आपके आसपास क्या है, उन पर थोड़ा सा वाच कीजिए उनको। आपको डेली नहीं, डेली 10 मिनट आप चींटी तो आप जैसे किसी कोई चीज कोई इंसेक्ट मिलता है तो आप उसको फोटोग्राफ उठाते हैं, बिल्कुल, तो आपको पता कैसे चलता है कि है कौन क्या है? हम जैसे कि हम लिविंग स्पीसीज नहीं इकट्ठा करते हैं फॉरेस्ट से, केवल हमारे पास फोटोग्राफ्स के रूप में ही हर चीज मिलेगा आपको,
क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम इसको उठा लें तो लास्ट यही नहीं बचा हुआ हो जिसको हम ले जाएं, तो हम फोटोग्राफ्स लेते हैं 2-3-4 एंगल से या जितना एंगल से मिला, और उसके बाद हम लोग जैसे कोई दुनिया के बहुत ज्यादा ग्रुप सबसे जुड़े हुए हैं, तो जैसे हर चीज का अपना अपना एक ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप में उस फोटो को हम डालते हैं को फाइंड इन झारखंड हजारीबाग ऐसे ऐसे, तो फिर उन लोग तुरंत उस पर आने लगता है, कमेंट आया या ये सब आया कि क्या चीज है, रेयर है, नहीं मिलता है, कहाँ से मिला, तो कहाँ कहाँ के लोग हैं उसमें? उसमें पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया से उसमें फोटोग्राफ्स लोग डालते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि झारखंड से हम ही हैं जो केवल रेगुलर फोटोग्राफ्स, पूरा इंटरनेशनल जो भी ग्रुप सोशल मीडिया का आपको मिलेगा, चाहे वो इको टूरिज्म से रिलेटेड हो या कुछ, तो हम रेगुलर फोटोग्राफ डालते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिलता है। हाँ, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है, फिर वहाँ के लोग जानते हैं हमारे एरिया के बारे में कि भाई प्लेटू का रीजन है, हम लोग प्लेटू के रीजन में रहते हैं, तो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी क्या है, वहाँ क्या मिलता है, तो उससे हम लोग को एक आपस में एक तरह से जुड़ते भी हैं लोग हमारे, जैसे हमसे आज दुनिया के हर कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं, बाई नेम हम लोग में बात भी होता है आपस में कि कैसे क्या करना है आगे, तो इसे एक प्लेटफॉर्म भी मिला और मन भी लगता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं उसका आगे का आपको अगर पता रहेगा कि इसको कहाँ भेजना है, तो उस काम में फिर इंटरेस्ट, इतना जो इतना दिन काम किए तो आपको कोई काउंट है कितना इंसेक्ट्स के साथ आपका मतलब आमना सामना हुआ या उसके बारे में जाने समझे कहीं कोई प्रोफाइलिंग? हम जब काम शुरू किए तो हमको नहीं लगता था कि इस लाइन में हम वाइल्ड इंसेक्ट पे काम किए। जैसे इंसेक्ट में एग्रीकल्चर इंसेक्ट भी होता है, तो एग्रीकल्चर इंसेक्ट में होता क्या है कि उनको पेस्टिसाइड से मारा जाता है या उनके लिए दवा बनती है जो खेती को नुक, तो हम वाइल्ड में किए कि जो जंगल में जो इंसेक्ट मिलते हैं या इन्वर्टिब्रेट्स मिलते हैं, तो इनको हम कंट्रोल, ये नेचुरली कंट्रोल होते हैं एक दूसरे से, जैसे इकोसिस्टम से कंट्रोल होते हैं, जैसे छोटे इंसेक्ट को गिरगिट खाएगा, सांप खाएगा, मेढक खाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, तो ये आपको एग्रीकल्चर इंसेक्ट में नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर इंसेक्ट में है कि हम पेप्टिसाइड को लेकर आके छीट देते हैं, उनको मार देते हैं तुरंत, तो हम देखें तो इस पर काम बहुत कम हुआ था वाइल्ड इंसेक्ट पे, क्योंकि अभी जंगल का में कई परिस्थिति ऐसा है कि लोग नहीं जाना चाहते हैं, चाहे जो कारण जो भी हो, हम अभी तक करीब 5 सेक्शन में बांटे हैं सब इंसेक्ट को जो हमारे पास कलेक्शन है, जैसे उसको हम बीटल्स ऑफ झारखंड या फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू कह सकते हैं, बीटल्स है, फिर ग्रास ऊपर और मेंथिस का एक चैप्टर है मेरे पास, फिर कैटरपिलर का एक चैप्टर है जिसमें कैटरपिलर जितने तरह के मिलते हैं, फिर स्पाइडर का एक चैप्टर है हमारे पास, मॉथ का है, बटरफ्लाई का है, और फ्लाई और बी का है, फ्लाई और बी का एक चैप्टर है, तो कुल मिला के करीब वही हम लिस्टिंग अभी तक किए हैं, तो करीब 1200 के आसपास इंसेक्ट को लिस्टेड किए हैं हम अभी तक। 1200? तो ये 1200 इंसेक्ट आपको कितने दूर में मिले, मतलब एरिया कितना है? एरिया जैसे कि ये तो सीजन वाइज मिलते हैं, एरिया जैसे पूरा झारखंड कहिए, पूरा झारखंड में कलेक्ट किए इसमें, मतलब ये सारे जो इंसेक्ट्स है आम लोग जानते हैं इनको कि नहीं जानते हैं? नहीं, आम लोग जानते हैं। कितना जानते होंगे उसमें से 1200 में से? नहीं, हमारे जैसे लोग कितना जानते होंगे? हमको लगता है कि मुश्किल से 50 इंसेक्ट के बारे में लोग जानते हैं जो आसपास मिलता है। हाँ, सिंपल सा, उसके अलावा नहीं। हाँ, जानते उस जैसे बटर नहीं, ज्यादा डिटेल तो कोई नहीं जानता। हाँ, है। हाँ, हाँ, बस केवल बोलता है लोग कि ब्लू वाला तितली देखे, अरे ये तो हम देखे हैं। हाँ, इसके अलावा डिटेल नहीं बता पाता है कोई, केवल यही बोलेगा कि अरे ये तो हम देखे हैं बस। तो उसमें जैसे जब उसको वाइल्ड में देखते हैं, जैसे आप बताया ना कि भाई शेर भालू अब आपको जंगल में कॉमन मिलने वाला है नहीं, लेकिन ये सब चीज मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल अभी है। तो अगर कोई आदमी इसको देखना ही चाहता है जंगल में, जैसे एक नया नजरिया बनाने की बात है कि आप कहीं पे विजिट करते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, तो सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाए कि वहाँ हमको ऐसे जानवर मिलेंगे, हमारा यही थीम है, तो फिर क्या मिलेगा, मतलब इंसेक्ट्स कैसे देख सकते हैं? और जब इंसेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं तो आप तो आपका दिखता है कि आप जैसे फ्लोरा पे भी काम कर रहे हैं। नहीं तो मनोज जी ऐसा है ना कि जैसे इंसेक्ट पे हम जब कहीं भी जाते हैं तो हम जैसे बहुत सारा जंगल में घूमे 20 साल, हम समझते हैं कि बहुत सारे पहाड़ जंगल इंसेक्ट हर सीजन में जाते हैं,
तो पहला चीज अपने पास ज्यादा लिमिटेशन हम नहीं रखते हैं, जैसे बहुत बड़ा कैमरा जूम लेके नहीं गए कहीं या कुछ, चूंकि फिर मन भटकता है, फिर लगेगा कि चिड़िया भी मिला तो इसका फोटो ले लें कर लें, तो इंसेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ हम लिमिटेशन अपने आप का कम रखते हैं, फोकस करते हैं, जिसके लिए हम इक्विपमेंट ज्यादा रखते ही नहीं है अपने पास। कोई सुंदर चीज भी दिखता है तो हम नहीं खींच पाते हैं उसका फोटो दूर से, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। तो इसे मन कन्फाइंड रहता है कि एक ही चीज पे काम करना है पहला। दूसरा बात कि जैसे हम इंसेक्ट के लिए जाते हैं तो जंगल में बहुत सारा यूनिक चीज भी हमको दिखता है, तो हम चाहते हैं कि जैसे बहुत सुंदर पेड़ कहीं दिखा, जैसे अभी हम इंसेक्ट खोज रहे थे तो दीमक का एक बहुत बड़ा टीला हमको लगा है, फिर उसको हम फोटोग्राफ्स लाए, उसको लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम भेजे, तो इंडिया का लार्जेस्ट निकला 11 फीट के आसपास का है। तो इस टाइप का चीज को हम खोज के इंसेक्ट को ही नहीं दिखाना है हमको, हमको तो जंगल को एक नया डायमेंशन देना है, तो उसमें पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर झरना। तो अभी जैसे हम लोग गए थे बड़का गांव के पास, हारम के पास एक झरना है, तो वहां पे गए थे तो एक फॉसिल वाला चट्टान मिला था। अच्छा, हम लोग को जो फॉसिल लगता है कि फॉसिल है। अच्छा, तो उस चट्टान का भी फोटो हम लोग लाए, तो हम जैसे पहले गए कहीं पे तो जो कोई चीज मिला है तो हम उसको ले लेते हैं, कि चूंकि हमको दिखाना है कि छोटे से जगह में हम कितना ज्यादा चीज को देख सकते हैं, चूंकि हम इंटरेस्ट बना रहे हमारा। जैसे आप यहाँ से नेशनल पार्क घूमने जाइए और बीच में चार चीज और देख लीजिए तो आपको और अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। कितना दूर आए तो कम से कम, जैसे अभी देखिए आप, हम यहाँ बैठे हैं, इसके आगे चूरचू में एक डांसिंग फॉरेस्ट खोजे हैं हम। अच्छा, वहाँ देखिएगा साल का पेड़ जो है वो सारा नीचे से ऐसे ऐसे घुमा हुआ है। ओके, वो लगता है कि म्यूजिकल नोट में डांस कर रहा है। तो डांसिंग फॉरेस्ट मेरा बहुत फेमस हुआ था यहाँ का खोज। उसको हम फोटोग्राफ लिए, फिर वो नेशनल न्यूज़पेपर में भी छपा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, डांसिंग फॉरेस्ट ऑफ चूरचू लारा। तो उस टाइप का चीज हम खोजते हैं, चूंकि इसलिए कि हम बताना चाहते हैं कि देखिए आपके रोड के किनारे है इतना सुंदर चीज। तो डांसिंग फॉरेस्ट मेरा पास में ही है, आप जाए देख भी सकते हैं उस चीज को। हाँ नहीं, देखेंगे, जरूर देखेंगे। ये बताइए कि जैसे इम्पोर्टेंस का भी बात होता है, आदमी आमतौर पर पढ़ता है, बोलते हैं कि एक लाइफ साइकिल है, एक फूड साइकिल है, एक अपना चेन ऑफ डाइवर्सिटी है, तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इंसेक्ट्स को बोलते हैं कि उसका एक बहुत मतलब अहम बहुत कड़ी है, इम्पोर्टेंट उसका कड़ी है। तो एक्चुअली ये बात क्या है, मतलब इंसेक्ट्स का इम्पोर्टेंस कैसे है? इंसेक्ट का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि जैसे वो लाइफ है इंसेक्ट, अपने लाइफ को हम केवल आदमी में, हम इंसान हो गए हमारा लाइफ ये है नहीं है, हमारा लाइफ इंसेक्ट ही नीचे से ही है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, हम करोड़ों अरबों डॉलर साल में खर्च करते हैं दूसरे ग्रह पे छोटा सा इंसेक्ट और बैक्टीरिया को खोजने के लिए। अगर वो दिख गया तो हमको एक उम्मीद जगता है कि वहां पे लाइफ संभव है। तो आप उसी से अंदाज लगाइए कि उनका वैल्यू कितना है। और हम सोचते हैं बड़ा जानवर क्यों नहीं खोजते, हम कहीं जाते हैं तो इंसान क्यों नहीं खोजते हैं कि उस धरती पे इंसान हो, इंसेक्ट क्यों खोजते हैं, बैक्टीरिया क्यों खोजते हैं छोटा छोटा, क्योंकि जीवन का प्रमाण वही है। वही आप इनको खत्म कर दीजिए, हम ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। अगर आप सोचिएगा, आप जैसे आप देखिए 5 प्रजाति के मच्छर होते हैं जो खतरनाक है सिर्फ दुनिया में, और 5 प्रजाति को मारने के लिए आदमी अगर इंसान बनाना चाहे तो कब का पेस्टिसाइड बना दिया रहता जो 5 प्रजाति को सिर्फ टारगेटेड 2 मिनट में खत्म कर दे। लेकिन उसको 5 को बनाने के लिए, मारने के लिए अगर बनाता है तो टोटल मच्छर का प्रजाति खत्म हो जाएगा। जिसके चलते इंसान फिर वैज्ञानिक लोग या रिसर्चर लोग सोचते हैं कि नहीं, फिर एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। सही बात है। तो इसलिए उन लोग देखिए कंसर्स लोग तो जानते हैं इनका वैल्यू। प्लस एक चीज और आप जानिए कि जितने भी मैकेनिकल इन्वेंशन हुए हैं या जो भी इन्वेंशन हुए हैं उसमें 80% योगदान इंसेक्ट का है। जैसे क्योंकि इंसेक्ट, जैसे कि आप डेल्टा विंग का देखिए, डेल्टा विंग मॉथ में मिलता है, जो फाइटर प्लेन सब में डेल्टा विंग हुआ, फिर कैमोफ्लेग हुआ, कैमोफ्लेगिंग भी इन्हीं से सीखे, इंसेक्ट से ही आदमी सीखा कि कैसे आदमी छिपे, जो आदमी लोग आज भी यूज करते हैं। फिर जैसे लोड लिफ्टिंग का टेक्नोलॉजी चींटी से सीखा, लोड लिफ्टिंग कैसे किया जाता है। अच्छा, मतलब सामान उठाना। हाँ, जैसे चींटी
दुनिया का सबसे बलशाली जीव अगर कुछ है जनरल नॉलेज में पूछा जाए तो चींटी होती है, क्योंकि वो अपने वजन का 10 गुना वेट उठा सकता है चींटी। हाँ। तो इसी से वेट लिफ्टिंग का टेक्नोलॉजी उससे सीखा आदमी की कैसे ज्यादा वजन उठाया जाए। तो इस टाइप का बहुत सारा इन्वेंशन है जो जिससे कि आदमी प्रेरित हुआ। हाँ, मतलब वहाँ इंसेक्ट से आदमी सीख रहा है। हाँ, सीखा। तो पूर्वज लोग देखिए, इंसेक्ट में क्या चीज है ना मनोज जी, कि आप अगर कोई इंसेक्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा तो बहुत कॉम्पैक्ट होता है वो। जैसे आप एक उदाहरण बताते, लुत्ती जो हम लोग के आंख के आसपास घूमता है, बचपन में हम लोग देहाती भाषा में लुत्ती बोलते हैं, वो आप सोचिए कितना छोटा चीज है, इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, और सोचिए कि उसके अंदर उसमें सारा चीज होगा, उसका आंख का भी है, पूरा जीवन है। हाँ, पूरा लाइफ साइकिल, मतलब हार्ट भी होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, खाने का होगा, सब कुछ होगा। सोचिए कितना छोटा में कैसे कॉम्पैक्ट है वो। तो उसको ना देख के आपको खुद आश्चर्य होगा कि आखिर ये चीज इतना चीज में है कैसे इसमें सब चीज। क्योंकि बड़ा शरीर में तो हर चीज रहना तो मानने चल पता चलता है कि चलिए है, लेकिन एक चींटी में अगर सारा चीज है तो आप सोचिए कि उनका हार्ट का मैकेनिज्म कैसा होगा, आई का कैसा होगा। तो आपको ना खुद इंटरेस्ट जगेगा उसमें, आपको लगेगा कि हम नई मतलब एक नया चीज देख रहे हैं दुनिया में। इसीलिए हम बच्चा लोग को बोलते हैं कि कोई भी इंसेक्ट को बहुत ध्यान से देखा करो और ना उसके बारे में जानो कि कहाँ घर बनाया, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है। तो एक्चुअली हम लोग मतलब जो हमारा पुराना पीढ़ी है, जो जो, जो आदि मानव रहा होगा, वो कितना सीखा है प्रकृति से, और सब कुछ प्रकृति से ही सीखा, बिल्कुल अपने आसपास की चीजों से। बिल्कुल। लेकिन अब सीखते सीखते हम लोग इतना आगे निकल गए कि उस चीजों को ध्यान ही नहीं जाता उस पे कि हाँ ये भी इतना इम्पोर्टेंट है। नहीं, आप कह सकते हैं कि ये तो अब हम लोग का ये है कि विडम्बना है इंसान प्रजाति का, कि बचपन से कोई भी चीज सीखते हैं तो बड़ा होके जब बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा ज्ञानवान बन जाते हैं तो उस चीज को भूल जाते हैं कि हम बचपन में किस बैकग्राउंड से आए हैं या कैसे आए हैं। तो ये आपको इस क्षेत्र में भी मिलता है। तो ये तो आदमी का, इंसान का नेचर होता है कि भूल जाता है आदमी। सही बात है, आदमी भूल जाता है। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे बहुत दुनिया भर में ये है कि एनवायरमेंट को बचाना है, एनवायरमेंट कैसे बचेगा, प्लास्टिक हटाओ, ग्रीन एनर्जी और ये सब चीज चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो आदमी ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो घूम रहा है, देख रहा है, भले इंटरवीन ना कर रहा हो, तो आपको क्या लगता है कि इंसान का एनवायरनमेंट के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है इस वक्त में और क्या होना चाहिए? हमारा एनवायरनमेंट के साथ रिश्ता जो है ना, उसमें ना बहुत सारे कंट्री जो कंसर्स हैं या जो भी है उसमें थोड़ा सा ठीक है। हमारे यहाँ खासकर हमारे देश में थोड़ा सा इंसान का पर्यावरण के प्रति हम लोग को उतना सचेत नहीं है। हम जैसे हम तो ग्राउंड पे बिल्कुल काम करते हैं, बिल्कुल गांव, बिल्कुल जंगल में देखते हैं जो उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके साथ जाते हैं। तो साथ वाले लोग, असल में होता क्या है कि हम तुरंत हानि पर्यावरण नुकसान करने से आपको नहीं हो पाएगा, इसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ता है। ओके, ये एक बड़ा कारण। हाँ, तो इससे क्या है कि हम नहीं जान पाते हैं कि इसको आज काट देंगे या खत्म कर देंगे तो आज पेड़ काटे तो तुरंत तुरंत उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तुरंत इफेक्ट नहीं पता चलता है। तो लोग क्या है कि जैसे तुरंत इफेक्ट कोई चीज से पता चलता है तो उसको ज्यादा जल्दी सीखता या सचेत होता है। जैसे आप अभी कोरोना में देखिए कि हर आदमी लॉकडाउन में, सब कोई लॉक हो गया, परेशान हो गया, सब काम धंधा बंद हो गया। तो चूंकि तुरंत का परेशान ही था इसलिए सीखा। आप बिना, आप क्या कहिएगा कि 20 साल के बाद तुमको ऐसे होगा, इसको आज बंद करो, नहीं करेगा बंद कोई। तो ये हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है, मतलब कि इसको टैकल कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय जैसे गाँव में या जंगल में, जैसे अभी क्या है कि कुछ जंगल वाले लोग ज्यादा जंगल बर्बाद नहीं करते हैं। जंगल बर्बाद हो रहा है अभी के डेट में माइनिंग से। अच्छा, केवल क्योंकि देखिए पेड़ का सब्स्टिट्यूट तो 20 साल में आप पेड़ लगा के कर लेंगे आप, लेकिन माइनिंग का तो लाखों साल में आप जो आप एक बार खोद के निकाल, पूरा इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम नीचे से अंदर गड़बड़ हो गया है। और लोग गलत बोलता है कि चिड़िया ज्यादा मिलता है, चिड़िया आप एरिया के हिसाब से अगर देखिए तो हर चीज इंडेंजर्ड है। हाँ, हाँ बिल्कुल।
क्योंकि उसको उसके और हम इसको मान नहीं रहे हैं। इंडिया में हमारे जो भी आंकड़े देते हैं या साइंटिस्ट हैं, इसको मान नहीं रहे कि हर चीज इंडेंजर है। हम क्या कहते हैं कि जैसे चिड़िया ज्यादा दी गया, अरे इस एरिया में कौवा बहुत ज्यादा है, लेकिन आप एरिया के हिसाब से कौवा को देखिए तो कम हो रहे हैं, वो उतना नहीं मिल रहे हैं जितना पहले मिलते थे। तो उनको हम इंडेंजर्ड ही मानते हैं कि अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मतलब गायब हो जाएंगे फिर। तो ये मतलब ये एक जो बात आप बोले कि जैसे एक पेड़ आप लगा दीजिए, ठीक है 20 साल में पेड़ तैयार हो जाएगा, लेकिन जो एक पूरा इकोसिस्टम डैमेज होता है जिसमें कि इंसेक्ट्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे आसपास पता नहीं कोई जीव जंतु होगा या नहीं होगा, लेकिन इंसेक्ट्स जरूर होंगे। बिल्कुल। और वो सब डैमेज हो जाता है। हाँ। और उसको फिर से बसाया नहीं जा सकता। हाँ नहीं, देखिए आपका जैसे कि प्लांटेशन का जो इकोसिस्टम आप नया डेवलप कीजिएगा तो उसको 500 साल लग जाएगा, फिर भी वो जरूरी नहीं है कि वो पुराना इकोसिस्टम में डेवलप हो। ओके। क्योंकि उसमें से बहुत सारे झाड़ियाँ जो मिलती थी उस समय वो गायब हो जाएंगे, हो सके नहीं उगे। हाँ। नहीं हो कोई घास ऐसा मिलता हो जो नहीं हो पाए। हाँ। फिर हाँ। तो उस जो हमारा नेचुरल बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम है ये नेचुरल ही रहता है, तो इसको ना आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप इधर यहाँ पे हजारीबाग में कैनरी हिल्स जो है वहाँ पे आप बहुत काम किए हैं लगातार, एक छोटा सा हिलॉक है और कितना किलोमीटर का एरिया होगा उसका, स्क्वायर किलोमीटर उसका 1100 एकड़ का फॉरेस्ट है। 1100 एकड़ का फॉरेस्ट बहुत छोटा सा फॉरेस्ट के हिसाब से पैच है एक तरह, लेकिन वो आपका दिल का बहुत करीब रहा है। क्या खासियत है उसमें? कन्हेरी में एक चीज हम देखे कि जैसे वो हमको कम्पैक्ट दिखता है कन्हेरी, जैसे कोई भी इंसेक्ट खोजने के लिए, जैसे कि दूसरे जगह जैसे हम बहुत सारे नेशनल पार्क में भी गए, जैसे हजारीबाग नेशनल पार्क है, पलामू नेशनल पार्क, तो कोई भी इंसेक्ट हमको खोजने के लिए 4 किलोमीटर एरिया में जब जाना पड़ता है, लेकिन कन्हेरी में हम देखते हैं कि 100 मीटर में ही हमको मिल जाता है। अच्छा। तो ये ना कम्पैक्ट डिस्क की तरह लगता है। अच्छा। कि जो भी आपको मतलब बहुत सारा चीज उसमें एक जगह मिला हुआ है। अच्छा, जैसे ऐसा क्यों? उसका तुलना पेन ड्राइव से कर सकते हैं कन्हेरी का, इतना डेटा है, इतना डेटा है वहाँ, क्यों है ऐसा? और एक सफिशियंट डेटा आपको, क्योंकि मैक्सिमम इंसेक्ट जो भी हम ढूंढने हैं कन्हेरी में ही मिला हमको फोटोग्राफ उसका। क्या कारण हो सकता है? ऐसा कारण इसलिए हो सकता है कि जैसे कन्हेरी जैसे शहर से नजदीक है पहाड़, और इसका जो जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ बहुत पहले, तो कोई प्रजाति जैसे अंग्रेज लोग बहुत सारे बाहर से, उनका एक आदत होता था कि बहुत सारे प्रजाति को इधर से उधर ट्रांसफर भी वो करते थे, तो काफी कुछ ला के वहाँ छोड़े। वहाँ से ला के जैसे कुछ कोई तितली न्यूजीलैंड का जैसे नेटिव है वो यहाँ पे मिला हमको। अच्छा। कोई ऑस्ट्रेलिया का इंसेक्ट मिला यहाँ पे। अच्छा। तो इस टाइप से इंसेक्ट मिलते रहता है हमको। इसका मतलब ये है कि कभी वहाँ से कुछ आया होगा, कोई आदमी आया होगा तो कुछ ला के छोड़ा होगा, कुछ छोड़ा होगा। वो लोग में था आदत, जैसे पेड़ पौधा भी ले जाके बीज लगा देते थे वो लोग कहीं भी। तो अब तो वहाँ से हाईवे हाईवे निकला तो काफी डिस्ट्रॉय हुआ होगा। देखिए हाईवे से ज्यादा नुकसान कन्हेरी को नहीं हुआ। अब पूछिएगा क्यों? देखिए होता क्या है कि हम ना अपना गलती को दूसरे के दोस्त पे मर देते हैं। जैसे होता क्या है कि पर्यावरण खराब क्यों हो रहा है भाई, तो डेवलपमेंट इसका कारण है। जबकि ऐसी बात नहीं है। आप जैसे डेवलपमेंट, जैसे कन्हेरी से रोड गुजरा, लेकिन आप साल में जैसे कन्हेरी में जंगल में आग लगा देते हैं, हर साल आप देखिएगा मनोज जी की जंगल में आग लगता है, पहाड़ के पहाड़ जल जाते हैं, तो डेवलपमेंट से ज्यादा नुकसान, 100 गुना नुकसान तो आग कर देता है। तो हम फिर इसका रोना क्यों रोते हैं कि रोड गुजर गया इसलिए बर्बाद हुआ? बर्बाद तो हम खुद कर रहे हैं। हाँ, जंगल के साथ एक्टिविटी कम करें, अपना हर आदमी अपना रोल करे पर्यावरण के लिए, अपना एक एक ड्यूटी करे। ड्यूटी पर्यावरण के लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ड्यूटी कीजिए आप, छोटा ड्यूटी भी डेली अगर करते हैं तो पर्यावरण के लिए उतना ही काफी है। जैसे छोटा सा चीज हम बता रहे हैं, जैसे आप कहीं गए घूमने, ठीक, कोई भी चीज प्लास्टिक हो या कोई भी एक चीज उसको हाथ में उठा, मान लिया ठीक है अगला कोई डस्टबिन में नहीं डाला, तो हम कैसे शिकायत कर देते हैं कि नहीं देखिए ने फेंक दिया यहाँ पे कचरा। तो आप चलते चलते आप ही खुद उठा के उसको डाल दीजिए, ये आपका छोटा सा योगदान हुआ, लेकिन आप एक योगदान किए और इससे संदेश भी है। हाँ, तो इस तरह से हर दिन आप 5 मिनट 10 मिनट, अब जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो देखे कोई भी चीज गलत करते किसी को, तो रुक के हम दो बात उसको बोलते हैं कि भाई क्यों,
जैसे मान लिया अभी नए नए पेड़ का दतुवन नीम का लोग तोड़ता है, जैसे मॉर्निंग वॉक में गया नीम का दतुवन तोड़ने लगता है, सखुआ का दतुवन तोड़ता है, तो उनको रुक के समझाते हैं, बोलते हैं कि क्यों तोड़ रहे हैं, बताइए पेड़ अभी नया नया पेड़ से। तो इस टाइप से ड्यूटी हुआ हमारा, वो माने या नहीं माने, लेकिन हम तो अभी जैसे जर्मनी में अभी 9-10 बजे के बाद सारा लाइट ऑफ कर देने का उनका ये आया है। तो देखिए पर्यावरण के प्रति गवर्नमेंट या सरकार कितना कंसर्स रहता है कि उनका लाइट ऑफ कर देने से दो है, रात में जो भी हमारे जो इंसेक्ट या जो भी जानवर घूमते हैं या बर्ड सब जो रात में, तो लाइट से उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आजकल हम लोग NH पे लाइट लगा देते हैं अननेसेसरी या कुछ, तो उसमें हुआ। दूसरा कि लाइट से हमारा माइनिंग भी खर्चा हो रहा है, जैसे 100 मेगावाट के लिए 50 टन कोयला अगर हम कर रहे थे, 1000 मेगावाट बचाएंगे पर डे, तो 50 टन कोयला बचेगा, उतना माइनिंग नहीं करेंगे, 25 साल ज्यादा माइनिंग चलेगा वो हमारा। तो इस टाइप का सोच हर आदमी को डेवलप करके रखना चाहिए जी। और पर्यावरण में सिर्फ माइनिंग को हटा दिया जाए तो पर्यावरण हमारे लिए अभी खतरा का संकेत नहीं दे रही है। मतलब डेवलपमेंट को हम आराम से लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, माइनिंग है जो माइनिंग है कि जो डिस्टर्ब कर रहा है सब, ज्यादा बड़े लेवल पर डिस्टर्ब, वो देखिए हमारा क्लाइमेट को भी माइनिंग डिस्टर्ब कर रहा है, बायोडायवर्सिटी को भी कर रहा है। अच्छा, उस चीज की भरपाई फिर हम नहीं कर पाएंगे, इस चीज का डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। तो बाकी पेड़ पौधा इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी हमारा अच्छा है। झारखंड में चूंकि हम रहते हैं तो झारखंड का माइनिंग एरिया को छोड़ दीजिए तो हर जगह यहाँ का जंगल रिच है, बहुत अच्छा रिच है। देखिए होता क्या है कि घर का गार्जियन ही जब घर के बच्चे लोग को बोलने लगे कि तुम खराब हो गया, तुम ऐसे हो गया, तो बच्चा लोग तो हम लोग क्यों पर्यावरण या समाज को दोष दें, हम खुद अपना अच्छा काम करें और दूसरे को सिखाएं, कुछ तो सुधरेगा लोग। खुद करें, बिल्कुल, और दूसरे को। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी।